दादी क्या नाम है आपके? चंद्रकला। ये कौन सा गांव है? चंदापुर। ये एक महिला ये रहती है पंचायत भवन में, क्या मामला है? अब मामला अब प्रधान जो कॉलोनी सॉलोनी लिखा दिए तब तो मिले। कितने दिन से रहती हैं? 3 साल हो गई है। तो इनके इनके परिवार में इनके आदमी वगैरह क्या करते हैं? अरे यही मजूरी करते हैं बेटवा, यही से खाद कमाता है, यही माँ मजूरी करके और क्या करता है। इसी बेटवा है देव करानी ये यहाँ। क्या चाहती हो दादी तुम? अरे हम सब तो चाहते हैं बेटवा कि मिल जाए बेचारों का, बहुत भटकती हैं क्या करें। इनके घर नहीं है? कहाँ घर है बेटवा, घर हो तो पंचायत घर में रहती है। क्या नाम है तुम्हारा? गीता। कौन से गांव में रहती हो? चंद्रपुर। कहाँ रहती हो? पंचायत घर में। कितने सालों से रह रही हो? 4-5 साल से। आपके घर में परिवार में कितने लोग हैं? 3 जने। कौन कौन हैं? बेटवा है और आदमी है। आदमी आपके क्या करते हैं? मंजूरी। आपको आवास नहीं मिला? ना। प्रधान के पास आप गई कभी? जाए थे प्रधान के लगे। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सबके माँ ने कहा था मैं कहा नहीं है भाई। रहने को मजबूर है क्या है? ये हमारे मीडिया बंधुओं के माध्यम से एक शिकायत संज्ञान में आई है, इसमें कोई परिवार बताया जा रहा है यूपी पंचायत भवन निवास कर रहा है। प्रकरण की जांच के लिए मुख्य विकास अधिकारी को कहा गया कि तत्काल इसमें रिपोर्ट मंगाए और पात्रता के आधार पर इसको आवर्तन कार्रवाई इसमें करें, तथा अन्य कोई सहायता मिलकर अनुमान होगी तो वो भी इसमें दी जाए।